हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नीट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मार्क्स वर्सेस रैंक, मतलब कितने मार्क्स पर कितना रैंक होगा। क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग रैंक के बेसिस पर होती है। जो आपका एडमिशन होता है वो रैंक के बेसिस पर होता है कि आपके कितने आपका कितना रैंक है ऑल इंडिया, ठीक है। और जब स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है तो आपका अलग से एक स्टेट रैंक निकाला जाता है कि आपके स्टेट में आप कौन से रैंक पर हो। एमसीसी के थ्रू जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो ऑल इंडिया रैंक होता है कि पूरे इंडिया में जिन भी स्टूडेंट्स ने मतलब एग्जाम दिया था उसमें आपका क्या रैंक है। तो गैज, आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ साथ में कितने मार्क्स तक आपका कॉलेज जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक, मतलब कितने मार्क्स पर कितना रैंक आपका बन जाएगा, ठीक है, और कितने मार्क्स तक पॉसिबिलिटी है आपका जो है एडमिशन हो जाए। तो देखिए, तो गाइस इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 से आपके 500 टू 600 या 700 तक बन रहे हैं उनकी। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाती है जिसमें 600 से अबव आपके मार्क्स है तो ही आपको मतलब एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। स्टेट कोटा की जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 टू 720 तक के हैं उनके कितने मार्क्स से कितने रैंक तक उनका आ सकता है। तो अगर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके बन रहे हैं 600 से 609 तो आपका जो रैंक है वो लाई करेगा 15,070 से 19,136 के बीच में, ठीक है। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 610 से 619 तो आपका जो रैंक है वो लाई करेगा 11,464 से 15,057 तक। और गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 620 से 629 के बीच उनका रैंक लाई करेगा 8,535 से 11,463 के बीच। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 630 से 639 उन स्टूडेंट का एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऑल इंडिया रैंक 6,065 से 8,522। और जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 640 से 649 के बीच उनका रैंक लाई करेगा 4,170 से 6,061 के बीच। उसके बाद गाइज, अगर हम बात करें जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 650 से 659 के बीच उनका रैंक लाई करेगा 2,759 से 4,163 के बीच। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 660 से 669 उनका रैंक लाई करेगा 1702 से 2,751 तक। और जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 670 से 679 तो उनका जो ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्ट किया जा रहा है 992 से 1701 तक। और जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 680 से 688 उनका ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्ट किया जा रहा है 522 से 971 तक, ठीक है। अब जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 690 से 698 तक उनका रैंक लाई करेगा 204 से 512 के बीच। अब गाइस, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 700 से 710 के बीच उनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है 23 से 202, मतलब 700 से अबव जो स्टूडेंट्स है अब तक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट 200 स्टूडेंट्स जो होंगे वो 700 से अबव मार्क्स के स्टूडेंट होंगे। वैसे तो गाइस जो रिज़ल्ट आएगा, आंसर की आएगी वैसे फाइनल, उसके बाद पता चल जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए आंसर की आ जाए कल आए, आ जाए कल आए, ऐसे हो रही है, लेकिन आंसर की आ नहीं रही और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस उसको लेकर दिया गया है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 715 से 720 के बीच वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अप्रोक्सीमेट 19-20 स्टूडेंट रहेंगे जिनके 715 या उससे अबव मार्क्स रहेंगे। क्योंकि अगर 2021 का आंकड़ा भी आप उठाकर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका यही रहा है, ठीक है।
और 2021 का जो पेपर था गाइस वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए थे। ठीक है, 2022 का जो बायो का सेक्शन है थोड़ा सा क्रिटिकल रहा है स्टूडेंट्स का कंपेयर देन 2021 एंड 2022 के अंदर बायो का सेक्शन थोड़ा सा रहा है, लेकिन बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रही है वो नॉर्मल रही है, मॉडरेट लेवल की रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, तो गाइस एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके मार्क्स होने चाहिए 600 से अबव, तो ही आपकी पॉसिबिलिटी है। एससी एसटी कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रही, मैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर काफ़ी कम मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए जो रैंक मार्क्स वर्सेस रैंक, अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका एक सिक्योर जो है आपकी सीट है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। अगर स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात करूँ तो काफ़ी कम मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। ठीक है गैस, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गैस।